हाँ मुझे पता है, कुछ लोग मेरे को ये भी कमेंट करेंगे तू खाली व्यूज पाने के लिए कर रहा है। अगर ऐसे व्यूज से किसी का फायदा होता है तो ये काम जरूर करो। मजा आ रहा है। पानी 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 पानी। और ये जो तुमने काम किया है ना, हाँ बहुत उपकार का किया है, बहुत मन गदगद हो जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है उस टाइम तो, अति अच्छा लग रहा है कुछ। आ जा पानी 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 पानी। शाबाश 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 दे दो। चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत से पहले मेरे हाथ में मस्त गर्मा गर्म चाय, पीली पहाड़ी भाई। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। मौसम की बात किया तो मौसम पूरा साफ है, बाकी सूर्यदेव यहाँ पे आ गए हैं। और फिर से मधुली बिंदु की बात किया तो दोनों को सुबह अंदर बांध दिया था, गर्मा गर्म धूप लग रही है ना तो इसलिए उनको अंदर बांध दिया है। यहाँ देखिए हंटियां चिड़िया मस्त करके अपनी मटक मटक कमर से चल रही है। अरे वाह पगली, अरे वाह 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 भाई साहब, ये जब चलते हैं ना तो इनकी कमर को देखने में मजा आता है। खाओ खाओ आराम से खाओ। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर मैं, पिताश्री, आंसू और माँ जी है। अनीता तो है ना, अनीता के बिना सुना सुना लग रहा है कल से। ठीक सामने पे देखिए तार पे घुघुती बैठ रखी है जो कि अब दिखाई देना पहाड़ों में बहुत दुर्लभ हो गई है। पहले के जमाने में मान्यता होती थी कि जब लड़की अपने ससुराल जाती थी तो अपने ससुराल से अपने घर वालों को रहवार देती थी, वो घुघुती के पास देती थी। यानी कि घुघुती पे बहुत सारे गाने बने हैं। तो मोबाइल हो गया, जैसे याद आई माता पिता को वीडियो कॉल करो, अरे पिताश्री, अरे माताश्री, मैं मस्त हूँ यहाँ, देखो कैसे एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन अब वो प्रेम नहीं रहा जो पहले था। चलिए जरा अंदर चलते हैं। यहाँ की बात किया तो पिताश्री मस्त करके वहाँ लेटे। हाँ पिताश्री, सुप्रभात। सुप्रभात, और ठीक है बेटा? सब टन है, सब टन है। फाइन 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 है। हाँ फाइन है। और एक बात और भेज कर आ दो। हाँ हाँ अच्छा। ऑडियंस लोग सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। गर्मी का क्या हाल है? गर्मी तगड़ी है, तगड़ी पड़ रही है। यहाँ क्या हाल है यहाँ का बताओ जरा। यहाँ का तो हाल, यहाँ भी गर्मी तो है, चलो फिर भी थोड़ी राहत तो है। अच्छा, आप जो केजुली छोड़ रहे थे वो ठीक हो गई? वो ठीक है वो। हाँ तो पिताजी की पीठ जो कुछ दिन पहले धूप से झुलसी थी, अब तो ठीक है भाई, नई चमड़ी आ गई है। चलो बढ़िया बढ़िया। और अनीता के बिना कैसा लग रहा है, सच बताओ? अनीता के बगैर तो सुना तो लगी गई है, क्योंकि अनीता जो है खेलती थी, अच्छा खाना वगैरह बना के देती थी। बड़ा बुरा लग रहा है। सही बात है, चलो टेंशन मत करो। आपके अगल बगल मक्खियाँ है? हाँ मक्खियाँ। उससे आपको अकेलापन का एहसास नहीं होगा? हाँ बहुत साथ दे रही है, सही बात है। उसे लग रहा है कोई तो है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि ठीक, अगर किचन की बात किया तो यहाँ देखिए माता श्री ने अभी तक कहीं गायब होना था। और यहाँ देखो क्या चला दे भैया, ओहो हो यहाँ तो कुछ खतरनाक ही बन रहा है। हेलो माता श्री, आज माँ जी घर में टिकी हुई है। राम बहुत बुरा लग रहा है। नी मेरे को बुरा लग रहा, तूने पत्नी क्या चला दिया? सैफ क्या कर रहा भैया? अब कैसी सब्जी बना रही है, कौन से देश में बनती है सब्जी चलाई हुई? भाई साहब खतरनाक जला दे कुछ अंदर भाई साहब, है ऐसा लग रहा है जैसे मिर्च का हवन दे रहे होंगे अंदर। और बाकी माँ दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही है, तो माँ क्या काटा जा रहा? प्याज? प्याज बाबा कर रहे हूं। ए राम, आज माँ जी पूरे दिन भर घर में टिकी हुई है। अच्छा घर माँ बोली डर के हमारे घर में रह रही हूँ, बोले मैं अनीता चले गई। डर किसका माँ तेरे को? हमारा डर तो तेरे को है नहीं, ठीक है? डर तो हमारा है ही नहीं तेरे को, ये मत बोल के हमारा डर है तेरे को। मैं तो खुश हूँ कि चलो उसी माँ ने तो घर में तो टिकी, तो कम से कम हम तो तेरे को घर में देखना चाहते हैं। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारा काम भगवान ने माँ के लिए बना रखा है स्पेशल बस। बाकी वे सामने की बात किया तो माता श्री बैठी उदास, अनीता की याद आ रही माँ जी को, नहीं बहुत याद आ रही। अंदर खाना लगा रखा गैस पे, यहाँ याद कर रही है उसको, ये ना हो कि जल जाए। हैं? अरे माँ बोल रही दो बार जल गया खाना, दो बार जल गया। ए राम 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 राम। देखो भाई माँ को अनीता की इतनी याद आई, सब्जी का तड़का भी जला दे, दाल का तड़का भी जला दे, भगवान पता नहीं कैसा खाना मिलता है। पिताजी को भूख लगी होगी ज्यादा? भूख तो लग गई बेटा, क्या करें, ग्यारह बज गया है। चलो भाई पिताजी को भूख लगे, थोड़ी देर में पिताजी को खाना देते। लेकिन मुझे खुशी की बात ये लग रही है आज की, पिताजी केंचुली साफ हो गए अब, और अब अच्छा लग रहा है नहीं पिताजी? बाकी हम ला खाने की जिम्मेदारी तूने ले रही थी। आजा आजा शाबाश गदाधारी भीम, शाबाश। अरे वाह, दरवाजा मत तोड़ना। हाँ ठीक है ठीक है। और पड़िया पिताश्री गाना लाने गए तो वालू गदाधारी भीम, स्पेशल गाना गाया है भाई अमन के लिए, तू होगा गदाधारी भीम। बाकी चलिए जो अमन और बाकी अभी हम जा रहे हैं जेपी भाई के यहाँ, क्योंकि आज संडे है तो भाई की भी छुट्टी है। ठीक है पिताश्री, मैं अभी आ गया है। ओके बेटा, आप खाओ तब तक खाना, जल्दी आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। चल भाई ठीक है सेफ, ठीक है माता श्री।
इनको खिला देना, टाइम से चले जाना कहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि माँ आज घर में टिकी तो माँ को थोड़ा टेंशन हो रही ज्यादा। और बाकी मैं और अमन जा रहे हैं भाई साहब के यहाँ। बाकी चल लीजिए, हम चल रहे हैं। तो मेरी दाई तरफ मेरी नजर पड़ी है जो पत्ते हैं, इसको हम अपनी लोकल भाषा में पिंडालू बोलते हैं। और इसकी जड़ में जो सब्जी होती है उसको बोलते हैं अरबी, यानी कि ये एक ऐसी सब्जी है जिसके पत्ते भी खाते और जड़ भी खाते हैं। जड़ खाते मतलब जो जड़ पे सब्जी होती है उसको भी खाते हैं, उसको अरबी बोलते हैं। चलिए बहुत बड़े ज्ञान दिए मैंने। अमन तो ऐसे चल रहा जैसे वो रोलर नहीं चलता सड़क पे, ऐसा लग रहा जैसे रास्ते को बराबर करने के लिए अमन को चलाया जा रहा है। सही है सही है, चलते रहे चलते रहे। चलते चलते अमन मुझे एक सलाह दे रहा है कि चाचा जी एक काम करो, सांप ढूंढो, कंटेंट तो वही है बल तगड़ा। अब लगा सांप इंसान की भैंस में भी, टेंशन मत कर और उसको दिखाने जरूरत है खाली। चलते रहे सवाल। ऐसे दो तीन और लौंडे साथ में हो जाए ना तो माँ कसम मेरे को मिलियन में पहुंचा दे। हालांकि आजकल सांपों का मौसम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारा मौसम भी आजकल। आए हाय 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 हाय, जय हो जय हो जय हो, ओम नमः नमः। ए बाबा, बड़ा शॉर्टकट प्रणाम, बड़ा शॉर्टकट प्रणाम। सही है सही है। और बिट्टू आएगी सबसे पहले मेरे जेबों को देखेगी क्या इसके जेब में, तो आज मैं बिल्कुल नंगा हूँ, यानी कि कुछ नहीं मेरे पास। सॉरी, अगली बार लाऊंगा। ठीक है हाँ ठीक है, अगली बार आपके प्रणाम को हम बेकार नहीं होने देंगे, शाम को कुछ लाएंगे। ठीक है, चले जरा किचन में देते हैं। हाँ, वो क्या रहा है? अरे वाह, भाई प्रणाम, भाभी जी प्रणाम। मैं लगे रहो बचकाते रहो, कैमरे की आगे भूख कम होती है, खाओ आराम से खाओ पहले। ना हो गया। अरे मैं आ ही रखा था वीडियो बनाने, टेंशन मत लो। और भाई साहब के घर में भी आए तो यहाँ देखो पिंडालू के बहुत सारे पत्ते लग रखे हैं। अरे वाह, इन पे तो देवता आ रहा भाई है। क्या हो गया भाई? अच्छा हवा चल रही है, सॉरी। जैसे मैंने पिंडालू बोला पत्ता एसएस करने लग गया, मैंने सोचा ये बिराज साहब इसको देवता आ गया, फिर पता चला कि हवा चल रही है अभी हल्की फुल्की। और यहाँ भी बैठ गया भरना, तो सॉरी अमन बेटा बैठ गया। ठीक है सही है। चलो वैसे हमें भरोसा है भाभी जी खाना खाने बाद चाय पिलाएंगे, आएंगे ना तब ठीक है। बाकी देखिए जी, सिर्फ बोला ही मैंने कि चाय बनेगी और भाभी जी ने तुरंत चाय बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। दूध वाली चाय तभी बनेगी जब आपकी भैंस। बिल्कुल मिलेगा। सही बात है। तो देखिए जी, मधुली के हर कोई याद कर रहा है और ज्यादा याद उसको ब्याहने की कर रहे हैं। मधुली तू अगर ये ब्लॉग देख रहे तो जल्दी ब्याह भाई। तो देखिए जी, दिन पर दिन धूप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमने एक प्रण लिया था बहुत समय पहले। तो हमने सोचा था कि सड़क के ऊपर सभी जितने भी यात्री हैं सबको ठंडा पानी पिलाएंगे, यानी कि शरबत डाल के। तो देखते हैं आज वो प्रण पूरा होता है कि नहीं होता है। इस मिशन में संजू, अमन हमारे बड़े भ्राता, मैं और मेरा छोटा भाई और एक दो और जितने भी होंगे, सभी लोगों ने बहुत पहले संकल्प लिया था, तो चलिए उस संकल्प को आज पूरा करते हैं। बाकी चलिए जी, मेरे घर में आ गए हैं। बाकी यहाँ पर 30 से 35 लीटर का एक छोटा सा ड्रम है, इसमें भरेंगे पानी। और भाई जी चले फिर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने सभी बच्चों को बोल दिया कि जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है वहाँ से सभी सड़क पे लाएंगे एक एक करके, एक एक बाल्टी। ठीक है बेटा, सिर चले हैं, आप भी आओगे? ठीक है ठीक है। धाव का मतलब होता है कि आवाज मार देना मुझे, यानी कि पिताजी को आवाज देनी ऊपर से कि अब स्टार्ट हो गया कार्यक्रम, आ जाओ आप। चलिए इसको ले जाते हैं अभी ऊपर। और अभी हम सोच रहे हैं पहले कि कार पे ले जाएंगे इसको, एक जगह प्राकृतिक स्रोत है वहाँ पे पानी आता है, वहाँ से पहले इस पे पानी लाते हैं भर के। बाकी ठीक, सामने पे देखे संजू ने एक जग ला दिया है, आ जा शाबाश। और बाकी मुझे काफी खुशी मिल रही है कि जो हमने बहुत दिनों से एक प्रण लिया था उसको आज पूरा करने जा रहे हैं। और आप जितने भी लोग हैं हो सके तो हर किसी गाँव में एक एक बार जरूर ये काम करें, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो भाई साहब जिंदगी पड़ी है, लेकिन पुण्य कमाने के लिए बार बार मौका नहीं मिलता है। और हाँ, मुझे पता है कुछ लोग मेरे को ये भी कमेंट करेंगे तू खाली व्यूज पाने के लिए कर रहा है, तो मैं एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल मैं व्यूज पाने के लिए कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ऐसे व्यूज से किसी का फायदा होता है तो ये काम जरूर करो। मैं तो बोलता हूँ जहाँ से आपको फायदा हो रहा है उसके बाद अगर किसी और को फायदा हो रहा है तो वो काम जरूर करो भाई, अब बुरा मत करो किसी का। बाकी दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे लोग जुड़े हैं जिनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और बाकी देखिए, ये है सदाबहार कार जो कि दुख में भी साथ आती तो सुख में भी साथ आ रही है। बाकी इसी को लेके जाएंगे और इसी पे हम इस ड्रम को ले जाएंगे और इसमें पानी भर के लाएंगे ठंडा पानी। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ एक जगह पानी आता है प्राकृतिक, तो वहाँ से लेके आते हैं पानी। और बाकी देखिए, मैंने बहुत कुछ सोचा है अभी धीरे धीरे करने की, और आप लोग ऐसी सपोर्ट ऐसी प्यार करते रहेंगे तो हो सके आप लोगों के आशीर्वाद से एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भंडारे भी जरूर करवाऊंगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग ऐसी प्यार देते रहेंगे। और देखो हमें अभी 2 मिनट नहीं और कितनी पसीना आ गया, और वो बेचारे जो चार धाम यात्रा कर रहे हैं उनको कितनी पसीना आ रही होगी। लोकेशन भी हमने देख लिया, यहाँ पर पेड़ है और पेड़ की छाव में यहाँ पे बैठे रहेंगे और यहाँ पे सबको ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे। चलिए फटाफट चलते हैं और ठंडा पानी इसमें भर के लाते हैं। हाँ भाई लड़को, तैयार हो? जय माता दी। चलो चलिए जी, आप लोगों के आशीर्वाद से एक पुण्य काम करने जा रहे हैं। तो जिस जगह पर हम पानी भरने आए उस जगह का नाम है एकांत ढाबा। तो इस जगह का नाम एकांत ढाबा इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो सामने पे ढाबा है इस ढाबा का नाम है एकांत ढाबा, यानी कि यहाँ अगल बगल कोई दुकान ही नहीं है, सिर्फ एकांत में यहाँ पे। यहाँ पे निकलता है प्राकृतिक स्रोत, ये 12 महीने निकलता है, ये सूखता नहीं है। और ये जो पानी है इसके सामने भाई साहब फ्रिज भी एकदम फेल है। तो देखिए जी, गर्मी धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पहले यहाँ भी किसी जमाने पानी आता था लेकिन ये पानी पूरी तरीके से सूखने लग गया और बाकी अब वहीं पे पानी आ रहा है। अगर ऐसे लोग जंगलों में आग लगाते रहे, हरे पेड़ पौधों को काटते रहे तो धीरे धीरे पहाड़ों में भी पानी की कमी हो जाएगी। तो चलिए जी, ड्रम हमने भर दिया और बाकी निकलते वहाँ पे जहाँ पे हमने एक जगह देख रखी है।
ठीक सामने पे जो गांव दिखाई दे रहा है वो है भेटियारा गांव। बाकी चले जी, ठंडे पानी में मिलाने वाला शरबत भी हमने दुकान से ले लिया है। बाकी चले जी, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बाकी चले जी, हमने डिस्पोजल की गिलास भी ला रखे हैं। अब जो हमने ठंडा पानी ला रखा है उसमें शरबत मिला देते हैं, क्योंकि बहुत सारे यात्री चल रहे हैं। और बाकी जो भी खाना बनाओ या कोई भी चीज करना हो वो सब भाई साहब जानते हैं। आज भाई जी नहीं यार, मैं कहाँ जानता भाई, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। अब तो और मिठास आएगी पानी पीने में। बाकी पानी को हमने ड्रम में रखा हुआ और ड्रम से हम एक एक बाल्टी पानी निकालते रहेंगे और एक एक बाल्टी शरबत बनाते रहेंगे और वैसे वैसे यात्रियों को पिलाते रहेंगे। इससे पता भी चल रहा है कि पानी में मीठा कितना है, कम कितना है। चलिए जी, गिलास में हमने पानी भर दिया है। बाकी अब यात्रियों को रुकाने की बारी है, वही सबसे डिफिकल्ट काम है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पैसों में पानी बेच रहे हैं, अब देखते क्या होता है। हमारा काम है धर्म कमाना। तो ठीक सामने से यात्री आ रहे हैं, देखते हैं रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। और हमारे भाई साहब चले गए हैं। चलो चलो चलो, पानी पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी। शाबाश 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 शाबाश, देते रहो देते रहो देते रहो। तो चलिए, काफी खुशी मिली। पहली गाड़ी हमने रोक दी और उसमें जितने भी यात्री थे सब ने ठंडा ठंडा पानी पिया। और भाई साहब कैसा लगा? मजा आ गया ना? आहा, चलो चलो ठीक है ठीक है, अब लगे रहो ठीक है। देखिए जी, समय भी क्या चीज है। बचपन में हम दो दो गिलास अपने लिए रखते थे, जैसे कहीं कोई पार्टी चल रही है वहाँ से दो दो गिलास अपने हाथ में लेके जाते थे कि मैं पीऊंगा। और आज ठीक उसका उल्टा हो रहा है, दो दो गिलास हाथ में रखे हुए हैं यात्रियों को पानी पिलाने के लिए। बचपन में आप ऐसा करते, ये सीक्रेट आपने आज खोला हमारे सामने। और हम गिनते रहते थे और कम पड़ जाते थे। लेकिन अक्सर लोग बचपन में ऐसी चीजों से गुजरे होंगे भाई साहब। हाँ, जो भी डिग्गी में डाल दो डिस्पोजल जो भी है। बाकी छोटा भाई भी आ गया है ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके। शाबाश बोला शाबाश, लगे रहो हर को एक पुण्य कर्म करने पे। सेवा सेवा सेवा। शुभ जर्नी भाई साहब। ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी। चलिए 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 चला वे लौंडो, करते रहो काम फटाफट। पानी पानी पानी। बाकी जितने भी यात्री आ रहे हैं जो जल्दीबाजी में गिलास ले रहे हैं, तो वो जाते जाते हम उनको बता रहे हैं कि ये गिलास कहीं फेंकना मत, इसको इकट्ठा करके किसी डस्टबिन में डाल देना। तो लगभग दो तीन बार बाल्टी खाली हो गई, तो हम धड़ाधड़ बना रहे हैं और जल्दी जल्दी जितने भी यात्री आ रहे हैं सबको ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं। एक्चुअली अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत सारे यात्री ऐसे सोच रहे हैं कि ये पानी पैसों में दे रहे हैं, अब क्या करें भाई साहब। तो चले जी, हम चार पांच लोग हैं जो पानी पिला रहे हैं। तो भाई साहब कैसा लग रहा है, सब सच बताओ? मजा आ रहा है ना? सुपर सही में। चलो ठीक है ठीक है, तो जितने भी गाड़ी आ रही सबको रुकाते चला था। आजा आजा, पानी 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 पानी, ठंडा पानी। बाकी हमारे गांव के यहाँ पर आ गई है, स्नेहा भी आ गई, ललिता भी आ गई, यानी कि सभी लोग आ गए हैं। ठीक सामने से बात की जाए तो पिताश्री भी आ रहे हैं वहाँ से। पानी 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 पानी, ठंडा पानी। तो पिताश्री कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया बेटा। हाँ? और ये जो तुमने काम किया है ना, हाँ? बहुत उपकार का किया है। अच्छा, और इससे जो है जितने भी लोग हैं, जितनी भी यात्राओं में जा रहे, सबके मुंह से तुम्हें जो दुआएं निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, सही बात। ऐसे ही कार्य अगर होता रहे क्षेत्र में तो बहुत मन गदगद हो जाता है। सही बात है, ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलाते रहो प्रोग्राम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी चलिए जी, ये जो पांच बोतल हमने शरबत की लाई थी ये तो पूरी खाली हो गई है। और सच बताऊं तो दिल से खुशी भी हो रही है कि चलो यार, जो बेचारे प्यासे हैं वो रुक रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और उसके बाद हमें इतना सारा आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत उत्तम कार्य, बहुत उत्तम, मजा आ रहा। जैसे जैसे जो लोगों के अंदर मिठास जा रही है ना, वो सब आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आपका जो है ये चलता ही रहे, है ना? सही है, सही है, सही है। वो सब पता क्या बोला सबने, कि भाई तुम्हारी जेब में जो भरता भी रहे और निकलता भी रहे। इनकम आउटगोइंग दोनों है। सही है सही है। हो गया पिताश्री? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है कार्य। और तुम लोगों को कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जब ज्यादा भीड़ हो रही है तो समय कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, उस टाइम तो अति अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। बाकी जैसी जैसी गिलास हो गया, शरबत हो गया, खत्म हो रही, तो वैसे वैसे ये दो भाई जा रहे और मस्त करके दुकान से लेके आ रहे हैं। क्या हर किसी को अपनी अपनी जॉब दे रखी है, किसी के पास जल्दी जल्दी मार्केट से सामान लाने की जॉब है, किसी के पास गिलास जल्दी जल्दी देने की जॉब है।
देखिए जी, एक चीज तो मैंने ये देखी है, आज की यात्री सीजन सच में बहुत ज्यादा कम हो रखे हैं, क्योंकि अभी हम पिछले 2-2.5 घंटे से खड़े हैं, लेकिन बहुत कम ही गाड़ी चल रही है कंटिन्यू। पिछले साल तक तो ठीक ठाक गाड़ी चलती थी, तो हमें यात्रियों का इंतजार करना पड़ रहा है, और बल्कि यात्री नहीं, जो और गाड़ियां भी जा रही है हम उनको भी पानी पिला रहे हैं। तो चलिए जी, 3-3, 4-4 गाड़ी सामने से आ गई है। सही है, सही है, सही है। पानी 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 पानी। बहुत पुण्य कमा रहे हैं आप सब, आप लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। यात्रा मंगल में हो आप लोगों की। चलिए जी, कुछ लोग डिस्पोजल नीचे फेंक रहे हैं, सारा हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं अभी। और देखिए जी, जिंदगी में पहली बार ये काम किया, पहली बार हमने सोचा कि आज सबको पानी पिलाते हैं, और सच बताऊं तो दिल से वो खुशी मिल रही है ना, इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं, कोई बोल रहे कि हम सोचे रहते कि पानी मिलता अभी, तब तक आप लोग भगवान के रूप में मिल गए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जय भोले, जय भोले की। ठीक है, जय बाबा भोले। वाह पिताजी, तो खतरनाक राइडर बन गया है, क्या बात है, क्या बात है, कैसा लग रहा है? खतरनाक है, है? अरे ऐसा लग रहा है कि अब सीधे सीधे ऊपर। इस उम्र में हड्डी तोड़ा नहीं सोचे क्या? पर भाई साहब, पिताजी खतरनाक लग रहे इसमें है? खतरनाक लग रहा है आप, अरे तगड़ा, अरे सारे राइडर फेल कर दिया आपने, अरे तगड़ा, ये बाकी जितने भी लोग डिस्पोजल से पानी पी रहे हैं, हम सारे डिस्पोजल को यहाँ डिग्गी में इकट्ठा कर रहे हैं। तो चलिए जी, शाम की लगभग 5:30 बज गए, और फाइनली हमने जो अपना आज का मिशन है वो पूरा कर लिया है, यानी कि बहुत सारी गाड़ियां रुकी, बहुत सारे लोगों को पानी पिलाया।